मेन रोड छोड़कर गली में ढुक गए हम लोग। ये श्याम बाबा का दरबार है। ये श्याम बाबा के दरबार से हमको ये फूलों का माला मिला। यहाँ पर ध्यान लगा कर बैठे हैं। जय श्याम बाबा की जय। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का दरबार मुख्य। इस परंपरा को मैं अपने माँ पिताजी को याद करके मैं कोलकाता स्विमिंग ब्लॉग्स में आज आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ। आज 22 अगस्त है, मंगलवार का दिन है और आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। तो आज सुबह से ही मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं। मेरे फेसबुक के दो अकाउंट हैं, दोनों में टाइमलाइन से लेकर आपका मैसेंजर में पूरा भरा पड़ा है मुझे विश करने के लिए। वो फैमिली फ्रेंड्स बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं सुबह से और सात दिन फोन ही मैं अटेंड किया हूँ। सबको व्हाट्सएप पे भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, फेसबुक पर भी रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आज मेरे बर्थडे का उपलक्ष्य में मैं आज हावड़ा में जो घुसरी धाम है, श्याम बाबा का मंदिर, खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वहीं पर जाने का मेरा विचार कुछ दिन से हो रहा था। तो आज वही मंदिर के लिए मैं जा रहा हूँ। तो देखिए फैमिली पीछे बैठी हुई है। तो अभी हम लोग बाली क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे ठीक से खुद भी नहीं पता है। तो अभी मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, तो चलते हैं श्याम बाबा के मंदिर। जय श्याम बाबा। पहुँच गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा आप लोगों को सिग्नल वगैरह मिल रहा है, काफ़ी जाम जब का सामना करना पड़ रहा है। नज़दीक हम लोग आ गए हैं। मेन रोड छोड़कर गली में ढुक गए हैं हम लोग। ये हम लोग आ गए घुसरी धाम में, श्री श्याम मंदिर घुसरी धाम। यहाँ से हम लोग प्रसादी ले रहे हैं। ये श्याम बाबा का मंदिर। यहाँ से हम लोग फूल लिए हैं। जय श्री श्याम। ये श्याम बाबा का दरबार है। ये श्याम बाबा के दरबार से हमको ये फूलों का माला मिला और ये उनका चढ़ाया हुआ मिला दुपट्टा श्याम बाबा के आशीर्वाद से। और यहाँ से 5 चक्र लगाए पूरा। अभी हम लोग ने श्याम बाबा का पूजा किया और कुछ देर यहाँ पर ध्यान लगा कर बैठे हैं। आपको श्याम बाबा के मंदिर का पूरा व्यू दिखाते हैं, दृश्य दिखाते हैं। Thank you.
ये सीधा वाला श्याम बाबा का मंदिर है और इसके साथ और भी भगवान का मंदिर मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। अब आप लोगों को मंदिर को का दर्शन करवाता हूँ। ये मंदिर का मुख्य मेन गेट में एंट्री करने से ही सामने में ये श्याम बाबा खाटू श्याम बाबा का मंदिर आता है, उनका विग्रह आता है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जाकर पूजा किया, बैठ कर पूजा किया, अच्छे से पूजा किया। प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, चल। ये श्याम बाबा का विग्रह है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा माता का विग्रह है, श्री राधे। यहाँ पर माँ अम्बे का मूर्ति है। राम लिखा हुआ है ठीक ऊपर में, नीचे में बजरंग बली का मूर्ति है। बजरंग बली का मंदिर है इसी में ही, ठीक श्याम बाबा के दाहिने साइड में। और ऊपर में ओम लिखा हुआ है, आई शंकर भगवान का पूरा परिवार सहित है। गणेश जी हैं, शंकर भगवान हैं, माँ पार्वती हैं। सजावट बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण भगवान की लीला को हमें दिखाया गया है, ऊपर में बहुत सुंदर सुंदर फोटो बनाया गया है। खाटू श्याम बाबा का दरबार मुख्य मंदिर। और यहाँ से लोग उनका चक्कर लगाते हैं कि मन्नतों के लिए नारियल बांध कर रखा गया है। श्याम बाबा की बहुत सारी मूर्ति, सब नारियल है, मन्नतों के लिए नारियल रखा गया था। चलो ऊपर में खाटू श्याम बाबा का फोटो लगा हुआ है और बहुत सारे भगवानों का फोटो यहाँ पर। मंदिर बहुत सुंदर है और थोड़ा प्राचीन भी लग रहा है, इसी सादगी ही इसका अलग एक सुंदरता बयां कर रही है।
हम लोग घर आ गए हैं, घर पर उतर का कार पार्किंग लग गया है, अब चलते हैं घर पे, घर पे आगे देखते हैं कैसे कैसे और क्या क्या होता है। गाइस ये केक आया है, ये प्रत्येक साल केक करता है, बचपन से केक करता है, और मेरी माँ को, मेरे पिताजी को बहुत शौक रहता था कि मेरा बेटा का जन्मदिन में केक आए। इस परंपरा को मैं अभी तक कायम रखा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हो गए हैं, अब उनको केक आनलाने या खाने का समय हो गया है, लेकिन अपने माँ पिताजी को याद रखकर मैं अपना केक आज फिर से काटता हूँ, और एक एक केक मेरी दोनों बेटियाँ मिलकर काटेंगी। आशा है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, केबल वाला है कि तो इसका नाम ना भूलिए, और हम खाटू वाले खान बाबा आप सभी को फेमस खान की समझ दीजिए, हम सभी को खाटू खान बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। थैंक यू, आज मई ब्लॉग।